Hey guys, welcome back on another lecture. I hope you all are doing well. तो आज हम शुरू कर रहे हैं English. और English जो है HP TET के लिए जो आपका most important topic जो English में रहता है वो है आपका active passive voice. ठीक है. एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एक्टिव पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं वही याद नहीं रहते हैं. और जब तक आपको रूल्स ही पता नहीं होंगे, रूल्स ही आप याद नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कोई भी सेंटेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. आपको क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे जो है एक्टिव से जो सेंटेंस है वो हम पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रूल्स आपको पता होने चाहिए. और इस वीडियो के बाद मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कभी भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आएंगे. बट शर्त ये है कि आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, एक एक रूल को बिल्कुल अच्छे से समझना है. और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप ये वीडियो पॉज करके देखिए, दोबारा भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप अपने पास एक कॉपी पेन रख लीजिए, जो जो मैं रूल्स आपको बताऊंगी वो लिख लीजिए. ठीक है. बहुत ही आसान टेक्निक जो है मैंने इसके लिए निकाली हुई है. बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे और हम कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. और याद रखिए HP TET में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में से 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो पक्के आते हैं. कई बार 5 क्वेश्चन भी आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में से पूछ लिए जाते हैं. तो बहुत बड़ा वेटेज है इस टॉपिक का, इसलिए अब हमने इसको जो है बिल्कुल ही शांति से करना है और बिल्कुल ही समझते हुए आसानी से इसको पढ़ना है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. देखिए मैं आपको टेंस वाइज बताऊंगी, जैसे जैसे हमारे टेंसेज हैं वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूंगी कि किस तरह से कौन सा रूल चेंज होता है. राइट, फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक सेंटेंस लिखते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है. ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है. आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में. अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं टेंसेस पे भी आपको वीडियो बना दूंगी. ठीक है, बट आपको मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप बीएड कर चुके हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं और आपको अभी तक टेंस ही नहीं आते हैं, तो फिर ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, आपको इस पर सोचना चाहिए थोड़ा. ठीक है, टेंस तो आजकल हर किसी को आने चाहिए. आपको पता है इंग्लिश जो है हम बिना टेंस के जो है हम नहीं सीख सकते हैं. ग्रामर आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए इंग्लिश का. तो जिसको टेंस नहीं आते हैं पहले वो जाकर टेंस देखिए, सीखिए, पढ़िए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ आएगी. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, उस वो जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. तो यहाँ मैं लिखा है ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है. तो ये आपका कैसा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ही यहाँ पर क्या है, किसी इंसान की बात हो रही है. ठीक है, कोई लिख रहा है, कोई इंसान है, तो वो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ही हो गया आपका सब्जेक्ट. राइट, ही राइट्स अ लेटर, तो लिख रहा है, लिखना क्या हुआ, लिखना यहाँ पर क्रिया हुआ, लिखना हुआ वर्ब. ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हम जैसे कि लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट जो रूल बन गया हमारा वो बन गया हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमने इसको चेंज करना है. तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई भी टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया हो उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में. बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में देखिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम ing भी लगाते हैं साथ में. ठीक है, इज एम आर का यूज़ करने के बाद हम जो वर्ब की फॉर्म होती है उसमें हम ing लगा देते हैं. यहाँ पर आपने ing नहीं लगाना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो है वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर पास्ट का कर रहे हैं, चाहे आप फ्यूचर का कर रहे हैं, सभी में एक चीज़ कॉमन रहेगी और वो रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आपने हर बार जब भी आपने किसी सेंटेंस को चेंज करना है आपने वर्ब को चेंज करना है. अगर फर्स्ट फॉर्म में दिया है तब भी, सेकंड फॉर्म में दिया है तब भी. ठीक है, हमेशा हर बार जो है वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगेगी. तो ये बात आपने याद रखनी है. ये जो रूल है ये सभी पर अप्लाई होगा, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, चाहे आप पास्ट का टेंस चेंज कर रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर का ही क्यों ना कर रहे हो.
ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने हमेशा लगानी है, सबके साथ लगानी है। बाय आपको पता है बाय भी साथ में लगता ही है जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, राइट। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर, इसको मैंने चेंज किया है और मैंने लिखा है अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब हमने क्या किया, पहले हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हमने चेंज करते टाइम क्या किया, जो आपकी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने लास्ट में लिखा था, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका सबसे पहले आ जाएगा। जहाँ पर आपने सब्जेक्ट यूज़ किया था वहाँ पर अब आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो आप एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो लेटर क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट था। लेटर को हम पहले ले आए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस है आपके पास, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में आपको पता है कि हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेटर के साथ इज, अ लेटर इज, राइट। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब हम चेंज कर रहे हैं तो क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये सभी के साथ लगेगी, मैंने आपको बताया कोई भी टेंस चाहे कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो आपने थर्ड फॉर्म ही लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की, अ लेटर इज रिटन, राइट का क्या बन गया, रिटन बाय हिम। बाय आप, मैंने आपको बताया था कि बाय आपने सभी के साथ लगाना है। अब ही का क्या बन गया, हिम। देखिए ही शी आई यू वी दे, ये सारी चीज़ें जो है ये चेंज होती है, ठीक है। अगर आपने आपके सेंटेंस में पहले ही है तो वो जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, हिम, राइट, या फिर हिज। तो ये भी आपने याद रखना है। अगर शी है तो क्या बन जाएगा, हर। अगर आई है तो क्या बन जाएगा, मी, ठीक है। इस तरह से ये चेंज होते हैं, ही का हिम या हिज बन जाता है, शी का हर बन जाता है, आई का मी बन जाता है, राइट। तो ये भी आपने रूल जो है याद रखने हैं। प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो सभी के साथ लगेगी, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर रहे हैं तो वो बदल जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपली। और आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका ही राइट्स अ लेटर की जगह हुआ आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, तो आपका क्या बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको कोई सेंटेंस दिया है, जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अभी लिख ही रहा है, राइट। तो इसको हमने कैसे चेंज करना है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई सेंटेंस है तो उसको हम इज एम आर, आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगता है, वो हम यहाँ पर लगाएंगे ही लगाएंगे, प्लस इज एम आर के साथ हम लगाएंगे बीइंग, राइट। ये चीज़ें आप लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये वैसे याद नहीं रहती है जब तक आप लिखेंगे नहीं। आई एन जी इज एम आर, सॉरी, इज एम आर आप लगाएंगे ही, उसके साथ आप लगाएंगे बीइंग, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस था ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हमने इज लगाया जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगता है, फिर हमने लगाया आई एन जी जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको पता है लगता है वर्ब के साथ आई एन जी, राइट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ लेटर पहले आ गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इज को आपने ऐसे ही रखना है, अ लेटर इज, देखिए राइटिंग हमने क्या किया था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आई एन जी लगाया था। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं लगाएंगे, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, प्लस जो आपका यहाँ पर आई एन जी लगता है, आई एन जी को चेंज करके क्या बना दिया हमने, बीइंग बना दिया, ठीक है। क्या किया, ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन एंड बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो पूरा सेंटेंस देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, चेंज करके बन गया अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, पत्र जो है वो उसके द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है।
बिल्कुल ही सिंपल है और बिल्कुल ही इजी है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, रूल्स याद करने की कोशिश कीजिए, रूल्स को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको रटने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगती है, उसके अलावा हैव या हैज़ का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुकी हूँ, मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने क्या लगाया है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद मैंने लगाया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज करके क्या बनेगा, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। मैंने आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही लगेगी जब भी आप किसी भी सेंटेंस को जो है वो चेंज करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा आएगी, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस जो आपने हैज़ हैव लगाया होगा वो आएगा, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हम चेंज करेंगे तब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की, बट उसके साथ जो हैज़ हैव है उसके साथ हम लगाएंगे बीन, ठीक है। हैज़ हैव लगा दिया, जो भी लगना है उसके साथ हम लगाएंगे बीन। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने देखा था इज एम आर लगाया, उसके साथ हमने लगाया बीइंग, ठीक है, इसके साथ हम लगाएंगे बीन। फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है आई हैव रिटन अ लेटर, चेंज करके बन गया अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये था इसका फॉर्मूला, हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट ही रखना है, बस हमने उसमें क्या करना है, हैज़ भी, हैज़ हैव जो आप लगा रहे हैं वो लगाना है, प्लस उसके साथ हमने बीन लगाना है, बीन बी डबल ई एन, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आ गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, आपको पता है सब्जेक्ट होता है प्लस जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो लगती है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल है, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, मतलब कि लिख चुका हूँ मैं, वो पास्ट टेंस में हो गया कि लिख चुका है, वो पत्र जो है वो लिख लिया है उसने, आई रोट अ लेटर। इसमें क्या था, सब्जेक्ट था, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, प्लस लेटर प्लस आपका ऑब्जेक्ट था, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपके पास कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको आप यूज़ करेंगे, तो उसको आप चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ आएगी जैसे मैंने आपको बताया है, राइट। चलिए देखते हैं एग्जांपल, आई रोट अ लेटर को हमने कैसे चेंज किया, आई रोट अ लेटर, इसको हमने चेंज किया अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, सॉरी यहाँ पर हिम आ गया है, ये गलती से आ गया है, जब आपके पास आई दिया गया हो तो आपने हिम हुम नहीं लगाना है, तो आपने लगाना है मी, राइट। तो यहाँ पर आई था तो मैंने यहाँ पर मी लगाना है, ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या था हमारे पास, आई रोट अ लेटर, यहाँ था पास्ट इनडेफिनिट टेंस, हमने किस में चेंज किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, वॉज वर लगता है, राइट। और जो आपकी वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ क्या लगता है, आई एन जी लगता है, जैसा कि आपका क्या आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर लगाते हैं प्लस आई एन जी लगाते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं, वॉज वर लगाते हैं प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वॉज या वर लगाना है, जो भी आपके सेंटेंस के साथ सुटेबल है वो लगाना है, वॉज या वर लगा दिया हमने, साथ में हमने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, आई एन जी यहाँ पर आपने नहीं लगाना है, राइट। तो यहाँ पर क्या किया, तो आपका यहाँ पर रूल्स कैसे बना, सबसे पहले आया ऑब्जेक्ट, फिर आपका आया वॉज वर, फिर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आया बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम कैसे चेंज करेंगे, पहले सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर लगाते हैं, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं, ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर,
वॉज हमने लगाया है, वर्ब की फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया है, ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसमें हम जब चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे ही करेंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया था इज एम आर का यूज़, साथ में हमने बींग लगाया था, तो यहाँ पर भी सेम वही होगा, वॉज वर्ब यूज़ करेंगे साथ में हम बींग लगा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे चेंज किया है, अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट आया आपका, वॉज वर्ब का यूज़ किया हमने, साथ में हमने आई एन जी की जगह क्या लगा दिया, बींग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है सभी के साथ लगती है, बाद में आ गया आपका लास्ट में सब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि नई ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, तो और पास्ट परफेक्ट है यहाँ पर, तो हम साथ में लगाएंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते थे हैज़ या हैव प्लस सेकंड फॉर्म, राइट। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाएंगे, हैड, हैड ही होगा यहाँ पर, हैव या हैज़ का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ हैड का यूज़ होगा, हैड के साथ आप लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमने देखा ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था, तो इसको कैसे चेंज किया है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। हैड देखिए, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया था तब हमने देखा था हैज़ हैव लगाना है, यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा, आपने हैड लगाना है, हैड के साथ आपने बीन का यूज़ करना है, एंड देन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने रूल्स लिखे हुए हैं साथ में, हैड 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 के साथ बीन लगा हुआ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, इस तरह से आपका बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया गया है, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूँगा, अभी लिखा नहीं है, नहीं लिख रहा है, अभी वो लिखेगा, ठीक है। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूँगा, तो यहाँ पर रूल देखिए कैसे अप्लाई हुआ है, पहले सब्जेक्ट आया है उसके बाद शैल, आपको पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शैल विल का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है इंडेफिनिट में, एंड कॉन्टिन्यूस में आपको ये भी पता होना चाहिए शैल वी विल बी, इस तरह से यूज़ होता है, और आई एन जी लगता है साथ में, और जो फ्यूचर परफेक्ट होता है उसमें हम शैल हैव विल हैव प्लस जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, राइट। इस तरह से पहले टेंसेस को समझिए, पहले टेंसेस के रूल्स याद कीजिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ही आपको समझ आने लगेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस दिया था आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, इसको हमने कैसे चेंज किया है, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। हमने क्या किया सिंपली, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में बदलना है, प्लस हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखनी है, ठीक है। बट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में हमने देखा था कि आई एन जी लगता है, वैसे ही आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यू है इसमें भी आई एन जी लगता है, तो हमने आई एन जी का यूज़ इसमें नहीं करना है, इसमें हम देख रहे हैं शैल का यूज़ हुआ है, फ्यूचर में क्या होता है आपका शैल बी विल बी का यूज़ होता है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, शैल बी विल बी जो भी आपका लगेगा उसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, तो यहाँ पर कैसे बना दिया, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यू में चेंज किया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास सेंटेंस दिया गया है आई शैल हैव बाउट अ पेन, तो इसमें क्या रूल लगा है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने कैसे चेंज किया इसको, आई शैल हैव बाउट अ पेन, अ पेन विल हैव बीन बाउट बाय मी, पेन जो है मेरे द्वारा खरीदा जा चुका होगा। हैव विल हैव जो भी आपका सेंटेंस में लगा होगा वो आपने वैसे ही रखना है जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ है, उसके साथ आपने क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सभी के साथ आएगी, ये चीज़ आपको पता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही मेहनत के बाद मैंने सारे रूल्स को गो थ्रू करके एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझकर फिर आपके लिए वीडियो बनाया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ आएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं कोई और तरीका निकालूंगी, बट मैं आपको ये समझा कर ही छोड़ूंगी क्योंकि
ये आपको हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर एच पी टेट की बात की जाए तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली इसमें से ही आते हैं, राइट। देखिए इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है मैं आपको बता देती हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्लस आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके अलावा टेंस भी आपको बीच में पूछ लिए जाते हैं कि इसको आपने करेक्ट करना है, ठीक है। और कई बार जो है आपसे प्रेपोजिशंस, सही प्रेपोजिशन आपने लगानी है, उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन पूछकर जो है आपसे 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। तो इसमें रहता क्या है कि जो आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं वो किसी के भी जो है बिल्कुल सही नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, तो सबको याद रख पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक आज जो बहुत इजी आ गया आपने समझ लिया, या फिर आपने तुक्का लगा लिया और ठीक हो गया, बट पॉसिबिलिटीज़ कम होती है उनमें, तुक्का मारने की भी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कम रहती है कि आपका ठीक ही तुक्का बैठेगा। तो इसमें रहता क्या है कि जो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है, या फिर आपके जो टेंसेस हैं, या फिर जो आपकी प्रेपोजिशंस हैं, या फिर कई बार जो है जंबल्ड वर्ड पूछ लिए जाते हैं, आपको वर्ड जो है आगे पीछे करके लगाने होते हैं, उसी तरह से आपके सेंटेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 4-5 सेंटेंसेस दिए गए होंगे आगे पीछे करके, और आपको कहा जाएगा कि उनको आपने एक सीक्वेंस में लगाना है, उनको अरेंज करना है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो इजी रहता है, उनको सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहता है, रेदर देन कि आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में फंसे रहो। सिनोनिम एंटोनिम्स जो है वो बिल्कुल सही है, हमारे कभी नहीं होते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनका अच्छा तुक्का लग जाता है और वो अच्छा करके आ जाते हैं। अदरवाइज देखिए 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एंटोनिम्स में से पूछे जाएंगे, 4-5 जो है वो आपके सिनोनिम्स में से पूछे जाएंगे, 4-5 आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में से पूछे जाएंगे। हो गए आपके 15 क्वेश्चंस, फिर बचे आपके 15। 15 में आपके बाकी चीज़ें पूछ ली जाएगी, जैसे कि जंबल्ड वर्ड है, रीअरेंज करने के लिए पूछ लिया जाएगा, टेंसेस हैं, या फिर आपके मॉडल्स हैं, ठीक है, मॉडल्स में से भी क्वेश्चन आता है, उनके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, या फिर आपके जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश का जो आपका सिलेबस रहता है एचपी टेट में। तो आपने करना क्या है कि जो चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं एटलीस्ट आप उन पे फोकस करें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल भी पढ़ के मत जाइए, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर आपके माइंड में कोई चीज़ जो है वो स्टक हो जाती है तो वेल एंड गुड है, आप राइट आंसर करके आ सकते हैं, अदरवाइज आप तुक्का मारिए। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं हो जाता है अगर आप 150 में से 140 जो है अच्छा करके आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप 10 क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, बाकी जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट उनको तो आप अच्छे से कीजिए। तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि स्किप कर दिया जाए, नो, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई तो ट्रस्ट मी आपको कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर आपने इसके एक एक रूल को जो है अच्छे से समझ लिया, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले फिर एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद जाइएगा एग्ज़ाम देने, आप एक भी एक्टिव पैसिव वॉइस गलत करके नहीं आएंगे। चलिए ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।